आपके सामने तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। जो पहला वाला फॉर्मूला है वो पिछले लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ कि ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू ट्रू स्ट्रेन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है ट्रू स्ट्रेस, यानी कि आपको ट्रू स्ट्रेस दी हुई होगी, या फिर इंजीनियरिंग जो सिग्मा है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होती है और एप्सिलॉन है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेन होती है, ठीक है ना। तो इसमें आपसे वो पूछ सकता है कि ट्रू स्ट्रेस, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि ट्रू स्ट्रेस दी हुई है आपको या फिर ट्रू स्ट्रेन दी हुई है, या फिर केवल लिखा हुआ है स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन, तो आपको मानना है कि सिग्मा दिया हुआ है और एप्सिलॉन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको माना कि लेंथ दी हुई है, यानी कि चेंज इन लेंथ बोल रहा है, और बोल रहा है कि आप ट्रू स्ट्रेन निकालिए। तो आप ट्रू स्ट्रेन कैसे निकाल सकते हैं, एल अपॉन एल ओरिजिनल, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एल लिखा है, यानी कि जब आप उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो फाइनल लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, ओरिजिनल लेंथ कम होगी, ठीक। इसी तरह जो ओरिजिनल एरिया रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, फाइनल एरिया कम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको याद करने में आसानी होगी, ओरिजिनल डायमीटर ज़्यादा रहेगा जबकि एक्सपांशन के बाद जो डायमीटर रहेगा वो कम रहेगा। तो आपको ये एल एन की वैल्यू एक से ज़्यादा लेनी है। तो इस तरह आप, यदि आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस या फिर ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन दी हुई है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।